नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एग्री सिलेक्शन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज थोड़ा सा समय में परिवर्तन कर दिया था और जो 8 बजे वाली जो क्लास थी उसको 11 बजे करना पड़ रहा। चलिए कल से वापस 8 बजे ही चलेगी आपकी क्लास। सभी जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दे। और आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पशुपालन का अंतिम टॉपिक है, पशुशाला के यंत्रों और बर्तनों की सफाई। पशुशाला के यंत्रों व बर्तनों की सफाई। देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो सभी विद्यार्थियों को जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान और जय श्री राधे कृष्णा। चलिए दोस्तों, देखो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसमें समझने लायक कोई चीज नहीं है, लेकिन आपको गौर से पढ़ना है क्योंकि एक क्वेश्चन जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। चलिए पहले शुरुआत करते हैं दुग्धशाला के जो बर्तन होते हैं, जो भी डेयरी फार्म होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर बर्तनों की सफाई कैसे करते हैं, किन पदार्थों से अपन सफाई करते हैं या कितनी उनकी विधियाँ मानी जाती। तो सबसे पहले बेसिक बात करें तो इसकी जो विधियाँ होती है वो होती है दो विधियाँ, बर्तनों की सफाई की विधियाँ होती है दो विधियाँ, ध्यान देना। पहली होती है सूखी विधि, सूखी विधि, सूखी विधि। एक तो होती है सूखी विधि या उसको बोल दो शुष्क विधि, शुष्क विधि बोल दो या सूखी विधि बोल दो, इसी को शुष्क। और एक जो होती है वो होती है वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि। दुग्धशाला के बर्तनों और यंत्रों की सफाई की दो विधियां होगी। एग्जाम कब होगा बेटा? एग्जाम अभी कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद में ही आपका एग्जाम होगा, अतः अभी एग्जाम के बारे में कोई डिस्कस ना करें। देखो दो विधियां होती है, सूखी विधि और होती है एक वैज्ञानिक विधि। पहले सूखी विधियों की बात करें तो सूखी विधि जहां अपनाई जाती है उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है जहां पर पानी की समस्या ज्यादा रहती है। तो ये विधि तो क्या होती है, कम पानी क्षेत्र, कम पानी वाले क्षेत्रों में, क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो इस विधि में केवल इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जो भी डेयरी के बर्तन होते हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, मिट्टी से, इनसे जो अपनी आती है राख से, मिट्टी से इनसे मांज देते हैं बर्तनों को। तो ये विधि वहाँ अपनाई जाती, ग्रामीण परिवेशों में ज़्यादा अपनाई जाती है जहाँ पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी ना हो, जो शुष्क क्षेत्र हो वहाँ पर अपनाई जाती है। तो इस विधि से कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना भी नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ वैज्ञानिक विधि की, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो वैज्ञानिक विधि तीन प्रकार की होती है, अपन एक एक विधि के बारे में बात करेंगे, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बाकी अपन स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक विधि से। वैज्ञानिक विधि, देखो वैज्ञानिक विधि जो होती है ये तीन प्रकार की होती है। चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे अगर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन है डेयरी के, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, डेयरी के बर्तनों को सर्वप्रथम किस पानी से धोया जाता है, धोया जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, पहला ऑप्शन आ गया ठंडे पानी से, दूसरा ऑप्शन आ गया गर्म पानी से, तीसरा आ गया सामान्य पानी से, या चौथा ऑप्शन आ गया वॉशिंग पाउडर से। क्या आंसर करोगे आप? मैं क्वेश्चन है मेरा कि सबसे पहले जो डेयरी के बर्तन होते हैं या यंत्र होते हैं उनको किस पानी से धोया जाता है। हनुमानगढ़ वाले बोल रहे ठंडे पानी से, विनोद सारण जी बोल रहे ठंडे पानी से, गुड्डू खट्टा कुनकाना जी बोल रहे गर्म पानी से,
ललित कुलदीप बोल रहे हैं ए ठंडे पानी से, वर्तिका राजपूत बोल रही है सामान्य पानी से, अजीत जैन जी बोल रहे हैं ए ठंडे पानी से, मतलब एक आंसर आया है गुड्डू जी का बी मतलब गर्म पानी से। इसके अलावा और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थियों का, कुछ विद्यार्थियों का सामान्य पानी से भी आया। देखो बिल्कुल जिनका ए और सी आंसर था चलिए सभी का लगभग लगभग सही था, एकाध कोई अपवाद है जिनका बी आंसर आया। चलो देखो दोस्तों, देखो ये ठंडे पानी से और एक जो होता नहीं सामान्य पानी से, ये मैंने ऑप्शन इसलिए लिख दिया क्योंकि इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि बुक्सों के अंदर ये है कि ठंडे पानी से या सामान्य पानी से धोना चाहिए। हमेशा डेयरी के जो बर्तन होते हैं उनको कभी भी गर्म पानी से पहले नहीं धोना चाहिए, पहले धोना चाहिए ठंडे पानी से या फिर आप ले सकते हो सामान्य पानी, दोनों ऑप्शन एक ही है इसलिए चौथा ऑप्शन मैंने छोड़ दिया। हाँ देखो कभी भी डेयरी के बर्तनों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, क्यों नहीं धोना चाहिए उसका भी कोई रीजन होता। अगर मान लो ये मैं एक केन बना देता हूँ आपको, ये ड्रम है, मान लो ये दूध का ड्रम है और अगर मैं शुरू में गर्म इसके अंदर अपने दूध भर दिया और जब दूध को वापस खाली करते हैं निकालते हैं दूध को, तो इसमें क्या होता है जो दूध की जो जो दीवारें होती हैं वहाँ पर जो प्रोटीन होती है दूध की वो चिपक जाती है, आपने देखा होगा प्रोटीन चिपक जाती है और वो प्रोटीन, उस प्रोटीन को बोलते हैं दुग्ध धातु या मिल्क स्टोन, ध्यान रखना मिल्क स्टोन, मिल्क स्टोन, मिल्क स्टोन। ये जो क्या होती है ये दूध की जो प्रोटीन होती है इस दीवारों के सतहों पर चिपक जाती है। अगर अपन गर्म पानी से धोएंगे, गर्म पानी से धोएंगे दूध के बर्तनों को पहले, तो क्या होगी ये प्रोटीन क्या होगी, जो प्रोटीन चिपकेगी दीवारों पर तो ये प्रोटीन फट जाएगी और फट जाएगी तो क्या होगा, प्रोटीन फट कर इस बर्तन की दीवारों की सतह पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, इसलिए वो वापस नहीं उतरेगी। आपने देखा होगा जब भी आप रोटी खाते हो जो आप वो रखते हो प्लेट रखते हो तो उसके नीचे जो आपने देखा होगा वो चुपड़ी रोटी होती है उसकी जो प्रोटीन होती है वो चिपक जाती है, देखा होगा आपने, आपके हाथों के ऊपर भी चिपक जाती है। आप तुरंत गर्म पानी से धोओगे तो वो प्रोटीन फट के क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, आपके हाथों पर भी फैल जाएगी बर्तन पर भी फैल जाएगी। हमेशा दूध के बर्तन हो या डेयरी दुग्धशाला हो तो उनको ठंडे पानी या सामान्य पानी से ही सबसे पहले धोना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है अपना, इसको मैं मिटा रहा हूं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपन। दुग्धशाला के जो बर्तन होते हैं पहली विधि होती है वैज्ञानिक विधि, सामान्य सामान्य या फिर ठंडे पानी से धोना, सबसे पहले धोते हैं सामान्य या ठंडे पानी से। इसके लिए क्या सकते ले सकते हैं अपन, कोई भी नल का ताजा पानी हो उससे ही पहले सबसे पहले बर्तनों को धोएंगे, उससे क्या होगा जो दूध की जो प्रोटीन होती है वो आधी अधूरी छूट जाती है, दूध की प्रोटीन आधी से ज्यादा प्रोटीन छूट जाती है। अगर शुरू में अगर गर्म पानी से धोएंगे तो क्या होगा, गर्म जो प्रोटीन होगी वो फट जाएगी और दूध की सतह के ऊपर क्या हो जाएगा, वो मिल्क स्टोन चिपक जाएगा। दूसरा जो होता है, दूसरी विधि होती है वो होती है, देखो ध्यान रखना, दूसरी विधि से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोडा राख, जो सोडा राख होती है, सोडा राख के गर्म पानी से धोना, से धोना। देखो सोडा राख, अब सोडा राख में क्या करेंगे अपन, कोई भी जो पानी होता है उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करेंगे। देखो पानी को क्या करेंगे,
50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी को गर्म करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उस पानी के अंदर 0.3 से लेकर 0.5% क्या मिला देंगे रे, अरे 0. ध्यान रखना, ये 0.3 से 0.5% क्या मिला देंगे उसके अंदर, सोडा राख। अब सोडा राख के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, वॉशिंग पाउडर ले सकते हो, आपने देखा वॉशिंग पाउडर ले लो आप, कोई भी पाउडर डिटर्जेंट पाउडर ले लो आप, तो वो ले सकते हो। इससे क्या होगा, अपन डेली के बर्तनों को साफ कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में, और लास्ट में धोते हैं बर्तनों को गर्म पानी से धुलाई। तो ध्यान रखना, ये वैज्ञानिक विधि 3 प्रकार की है, पहले साधारण या ठंडे पानी से धोना, उसके बाद में क्या होगा सोडा राख से धोना, और तीसरी विधि होती है गर्म पानी से धोना। बेटा सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। वर्तिका जी बोल रहे हैं अंग्रेजों का स्वागत है क्लास में। हाँ बेटा अंग्रेजी में कम बोला करो आप, हमेशा हिंदी में लिखा करो, आप पर हिंदुस्तानी है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर ले, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन विधियां। तो ये हो गई आपकी वैज्ञानिक विधि, और आज चक्कर क्या है, आज लाइव और लाइक दोनों ही कमा रहे। अरे कहाँ गए राज, लगता आदमों का तो नेट खत्म हो गया, इंटरनेट खत्म हो गया होगा शायद। अब देखो, अब ये तो थी बेसिक बात, और अब एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और वो हमेशा आता है, आप 2012 सुपरवाइजर उठा लो, 2015 उठा लो, और 2018 उठा लो, तीनों एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आता है, और वो सिंपल सा क्वेश्चन आया, दो बार एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया गया, और क्वेश्चन सीधा सिंपल था कि जो डेयरी फार्म या दुग्ध जो शालाएं होती है उनके अंदर बर्तनों को धोने के लिए सबसे अधिक कौन सा शोधक प्रयोग में लाया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं पहले धावन पदार्थ या बोल दो शोधक, जिनसे अपन धोते हैं, का वर्गीकरण, शोधकों का वर्गीकरण। अरे कितने प्रकार के होते, क्वेश्चन दो बार आ चुका है कि डेयरी फार्म या दुग्धशाला के बर्तनों को सर्वाधिक किस शोधक से धोया जाता है, और वहां राइट आंसर आएगा सारीय शोधक। तो इन धावन पदार्थ होते हैं जिनसे अपन बर्तन धोते हैं, या इनको बोल दो अपन जो भी शोधक पदार्थ होते हैं जिनसे अपन बर्तन धोते हैं, उनका वर्गीकरण कितने प्रकार किया गया है, और पहला वर्गीकरण है सारीय शोधक। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वर्गीकरण है सारीय शोधक। देखो यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, छोटा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है सारीय शोधक, एक चीज खोपड़े और दिल और दिमाग दोनों में घुसा लेना कि सबसे ज्यादा डेयरी के बर्तनों को धोने के लिए कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं, या कौन से शोधक काम में लिए जाते हैं, सारीय शोधक। तो मैं लिख देता हूं सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जेट आईसीआर वाले भी सुन लो, ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर अंतिम टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारीय शोधक का प्रयोग सबसे ज्यादा डेयरी के बर्तनों और यंत्रों को धोने के लिए काम में लिया जाता है। अब सारीय शोधक कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है धावन सोडा बोल दो उसको, या बोल दो आप कास्टिक सोडा या बोल दो NaOH, ये होता है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है डेयरी फार्म में। अब इसकी जो मात्रा ली जाती है वो ली जाती है 1 से 2%, और इससे किस बर्तनों को धोया जाता है ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा हूं सिंपल सा आएगा कि डेयरी के अंदर कांच के बर्तनों को धोने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, खत्म, वहीं आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। बेटा टाइम चेंज नहीं किया, आज थोड़ा सा मेरे को नींद आ गई थी यार, उठने में लेट हो गया था तो सर को फोन कर दिया, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, रात को मैं लेट सोया था, इसलिए सर को फोन कर दिया था कि आप 8 से आप ले लो, उसके बाद में टाइम
सेट नहीं हो पाया तो अंतिम क्लास ही होती फिर मेरी। हो जाता कभी कभी रात को जागना पड़ जाता, जुगनू बनना पड़ जाता, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। कल से वापस 8 बजे है, अगर जल्दी चेत हो गया तो। देखो NaOH, इसकी जो मात्रा ली जाती है वो ली जाती है 1 से 2%। दावन सोडे के अंदर या कास्टिक सोडा बोल दो या NaOH बोल दो, इसकी जो मात्रा ली जाती है 1 से 2%। और क्यों बेटा जोग्रोफी वाले सर के थोड़ी सी उल्टियां सी हो रही थी तो इसलिए वो नहीं ले पाए। मैं बेटा मैं कुछ नहीं बोल रहा, हाँ देखो इसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का आएगा कि कास्टिक सोडा या NaOH का प्रयोग कितने परसेंट किया जाता है, 1 से 2%। और दिल और दिमाग में एक चीज ध्यान रखना, जो कांच के बर्तन होते हैं उन कांच के बर्तनों को धोने के लिए कौन से पदार्थ, कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है कास्टिक सोडा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन बनती है और स्टार लगा लेना कि कांच के बर्तन, कांच के बर्तनों व यंत्रों को धोने के लिए, धोने के लिए क्या काम में लेते हैं, NaOH। दूसरी बात, दूसरा अगर बात करें तो उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम ये एक हो गया और ये हो गया दो, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी देखो ये भी सारी शोधक में आता है, लेकिन ध्यान रखना ये थोड़ा सा हल्का होता है, हल्का होता है। इसको बोलते हैं Na2HCO3, इसका सूत्र है। तो ये जो होता है हल्का होता है, हल्का शोधक होता है, इसलिए इसको हाथ, इनको हाथ धोने के काम आता है। जब भी अपन कोई भी डेयरी के बर्तन होते हैं उनको धोने के बाद जब हाथ धोया जाता है, वो धोया जाता है किससे, बाइकार्बोनेट से, क्योंकि ये शोधक हल्का होता है तो हाथों को खराब नहीं करता। तो ये चीज ध्यान रखना हाथों को धोने के लिए, हाथों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है आपका, इसमें सारी शोधक में तीन होते हैं, उसको नाम है सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट बोल दो या बोल दो आप टिपोल, टिपोल आ जाए एग्जाम में, सोडियम फास्फेट। फास्फेट बोल दो या बोल दो आप टिपोल, ये तीन शोधक हो गए। ये जो टिपोल होता है या सोडियम फास्फेट होता है, ये सभी प्रकार के जितने भी बर्तन होते हैं डेयरी के अंदर सबको धो सकता है, क्योंकि ये जो होता है सबसे ज्यादा पानी के अंदर जो घुलनशील होता है ना, यही होता है, ध्यान रखना। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, टिपोल से कितने भी बर्तन हो, सभी बर्तनों के अंदर जितने भी डेयरी के बर्तन होते हैं सबको धोने के लिए कौन सा काम में ले सकते हैं अपन, टिपोल ले सकते हैं या सोडियम फास्फेट ले जा सकते हैं। तो बर्तनों को मैं लिख देता हूं, सभी प्रकार के बर्तनों व यंत्रों को, यंत्रों को धोने के लिए। देखो यहां से आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इस लाइन को आप अंडरलाइन ही कर लेना, दावन पदार्थ में कास्टिक सोडा से का सबसे ज्यादा प्रयोग कांच के बर्तनों को धोने के लिए किया जाता है, मात्रा ली जाती है उसकी 1 से 2%। तो ये आप एक बार इसको उतार लो, एक बार फटाफट इसको उतार लो आप। पुआ अच्छा लगता है, पुआ पूड़ी, पुए तो सबको अच्छे लगते हैं, ये टोंक बूंदी वालों को तो जलेबी पुए के अलावा कोई कोई चीज अच्छी लगती नहीं है, जान दे दे ये खाने के लिए। तो पुए हो, मालपुए जान दे हो, चौड़े चौड़े होते हैं पुए, भंडारे में वो ही बनाते हैं। अब देखो पहला हो गया अपन सारी शोधक, दूसरा होता अम्लीय शोधक। दूसरी विधि है, अब दूसरी शोधक है
अम्लीय शोधक। अम्लीय शोधक देखो, अम्लीय शोधक सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अच्छे जो शोधक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सारीय शोधक, ये चीज आप ध्यान रखना। और डेयरी के बर्तनों को सबसे ज्यादा धोया जाता है वो सारीय शोधक से धोया जाता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन दूसरी जो प्रकार है वो है अम्लीय शोधक। अम्लीय शोधक कौन से होते हैं? देखो आपने देखा होगा इसके अंदर अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जैसे साइट्रिक अम्ल ले लो, टार्ट्रिक अम्ल ले लो, और भी ग्लूकोनिक अम्ल ले लो, जितने भी अम्ल आते हैं, फास्फोरिक अम्ल ले लो, जितने भी अम्ल आते हैं उनका प्रयोग किया जाता है बर्तनों को धोने के लिए। अम्लीय को क्यों धोते हैं? देखो आपने देखो मैंने अभी बताया था आपको कि इसकी जो सतह होती है, दीवारें होती है, वहां पर क्या जम जाते हैं? दुग्ध धातु। दुग्ध धातु या इसको बोल दो मिल्क स्टोन। मिल्क स्टोन ये क्या होती है? दूध की प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन क्या होती है? उसकी सतह पे चिपक जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, आप जब भी खाना खाते हो, हाँ बेटा विनोद सारण बोल रहा, टोंक वाले तो मालपुआ पर निर्भर है। अरे बेटा सही रियल बता रहा हूँ, मालपुए टोंक और इधर झालावाड़ हो गया, इधर बूंदी हो गया, ये जो एरिया है ना, मालपुए और जलेबी दुश्मनी समझो इनको, बहुत ज़्यादा शौकीन है, मैं खुद देखता हूँ, बहुत ज़्यादा शौकीन है। और जब जिमने जाते हैं ना या कोई भंडारे, वो इतनी बड़ी कटोरी और ले जाते, दाल और लेके आएंगे, दाल मालपुए और वो प्रसादी सी वो बांध के लाते हैं घर पे, और मर जाए खाने के लिए। तो इतना मतलब बहुत मालपुए के शौकीन बहुत ज़्यादा है, बाकी और जगह पर नहीं इतने शौकीन। टोंक वाले अच्छा लगता है इनको मालपुआ, अपने यहाँ जयपुर में जगदीश महाराज का मंदिर है वहाँ पर भी मालपुए का भोग लगता है। कभी भी आप सुहावनी में आओ तो वहाँ मालपुए मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आप, तो ये ध्यान रखना। देखो बात कर रहा था मैं अम्लीय शोधक की, तो अम्लीय जो शोधक होते हैं वो क्या होता है, जब भी कोई बर्तन के अंदर अपन दूध डालते हैं, दूध डालने के बाद जो प्रोटीन होती है उसकी सतह पर चिपक जाती है, और ये कुछ समय के बाद आप 4-5 घंटे रख दो तो इसमें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? दुग्ध अम्ल में बदल जाते हैं। मतलब कह सकते हैं अपन जो लेक्टोज होता है वो क्या उसमें सड़न पैदा कर देता है, इसको ही बोलते हैं अपन मिल्क स्टोन। अब इन मिल्क स्टोन को उतारने के लिए क्या करेंगे अपन? अम्लीय शोधक सबसे अच्छे माने जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो और जो कटोरी होती है, जो कटोरी क्या मतलब जो प्लेट होती है, उसके अंदर ऊपर अपन रोटी डालकर जब खाते हैं, रोटी खाने के बाद वहाँ वो चिंगट सी जमा हो जाता है, उसको उतारने के लिए क्या करते हैं? उसको उतारने के लिए आप साबुन नहीं लगा सकते हो, उसको उतारने के लिए आप अम्लीय शोधक का ही प्रयोग करते हो। अगर आप देखना आपके हाथों को धोने के लिए भी अम्लीय शोधक का ही प्रयोग करते हो। अम्लीय शोधक में क्या आता है? अम्लीय शोधक में आता है अम्ल, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, ग्लूकोनिक अम्ल मान लो, टार्ट्रिक अम्ल मान लो, साइट्रिक अम्ल मान लो, फास्फोरिक अम्ल मान लो, ये सब अम्ल काम में लेते। आपने देखा होगा विम्बार, विम्बार नींबू का आता है, नींबू का रस भी ले लो आप, विम्बार में क्या आता है? नींबू का रस। ऐसे सवाल नहीं आते तो बेटा नहीं आते तो मत पढ़ यार, थोड़ा सा दूसरा देख ले, वो नीचे आपके और लिंक आ रही है, एक और दूसरी चुटकुले शायरी आते हैं वो देख ले। तो जब अम्लीय शोधक काम में, वहाँ विम्बार से अगर अपन बर्तनों की सफाई करेंगे तो उतर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अम्ल था। तो ध्यान रखना अम्लीय शोधक जो होते हैं उसमें अपन साइट्रिक अम्ल ले सकते हैं, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, अम्ल, इनका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं अपन? डेयरी के बर्तनों को धो सकते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो आप पुराने 3 साल के पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन यही आए 2 बार, तो वो आया कि सबसे ज्यादा डेयरी के बर्तनों को किस शोधकों से धोया जाता है, और अब की बार में बता रहा हूं तेरे को जो NaOH वाला है कांच के बर्तनों को धोने के लिए कौन सा शोधक काम में लिया जाता है, छपेगा ये क्वेश्चन देखना बेटा। अम्लीय शोधक में आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि मिल्क स्टोन को उतारने के लिए कौन सा शोधक काम में लिया जाता है, या दुग्ध धातु को उतारने के लिए कौन सा, बर्तनों को धोने के लिए कौन सा शोधक काम लिया जाता है? अम्लीय शोधक। अम्लीय शोधक के उदाहरण दे दो आप, टार्ट्रिक अम्ल ले लो, साइट्रिक अम्ल ले लो, फास्फोरिक अम्ल ले लो, ग्लूकोनिक अम्ल ले लो, ये सब शोधक किस में काम आते हैं? अम्लीय शोधकों में आते हैं। तो एक बार आप इसको उतार लो, उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट अपना, वो आएगा जटिल फास्फेट। जटिल फास्फेट
तीसरा जो शोधक आएगा वो आएगा जटिल फास्फेट। जटिल फास्फेट, देखो जटिल फास्फेट कहां पर लिए जाते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जो जटिल फास्फेट होते हैं जहां का पानी खारा होता है, जहां भी पानी खारा हो उस खारेपन को दूर करने के लिए, जब जहां का पानी खारा होता है वहां पर सबसे ज्यादा कौन से फास्फेट काम में लिए जाते हैं, जटिल फास्फेट। और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, स्टार के डबल स्टार लगा लेना, जहां पर पानी खारा हो डेयरी के बर्तनों को धोने के लिए कौन से शोधक काम मिले जाते हैं, जटिल फास्फेट। तो जहां मैं लिख देता हूं, जहां पानी खारा हो या फिर कठोर हो वहां जटिल फास्फेट शोधक काम लिए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जहां का पानी खारा हो वहां पर लिए जाते हैं। अब अगर एग्जाम्पल आपने को पूछ ले तो सोडियम हेक्सामेटा, ध्यान रखना एग्जाम्पल में सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट। इसके अलावा एक और आता है, ध्यान रखना टेट्रा फास्फेट क्या होता है, जितने भी बर्तन होते हैं सबको धो सकते हो आप टेट्रा फास्फेट से, ध्यान रखना टेट्रा फास्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो एग्जाम्पल है, इसके अलावा अगर आप ज्यादा देखना चाहो तो सोडियम ट्रिपोली फास्फेट भी आता है। तो ये तीन चार प्रकार के आपके हाँ बेटा। तो ये थी अपनी पशुपालन की अंतिम क्लास थी। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल देखो तो आप जो आद्रक कारक होते हैं वो भी आते हैं, चार प्रकार की होती है वैसे, अम्लीय शोधक, जटिल फास्फेट, सारी शोधक और आद्रक कारक, लेकिन वो एग्जाम्पल में आपसे नहीं पूछा जाता क्योंकि ये भारत के अंदर सबसे कम उपयोग में लाई जाती है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की अपनी छोटी सी एक क्लास, और अपनी जो पशुपालन का टॉपिक था वो हो गया आज समाप्त। इसके अलावा कल से बात करेंगे, तो कल शायद एग्रोनॉमी अपन स्टार्ट करेंगे, वही टाइम रहेगा सुबह 8 बजे का, तो कल से एग्रोनॉमी, और कोशिश करूँगी या शाम की जो हॉर्टिकल्चर क्लास है उसको ड्रॉप करके सुबह आपकी हॉर्टिकल्चर चालू हो जाएगी, हॉर्टिकल्चर पूरी होने के बाद ही आपकी एग्रोनॉमी स्टार्ट होगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल से सुबह 8 से 9 बजे आपकी हॉर्टिकल्चर क्लास स्टार्ट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।